विभिन्न उद्देश्यों के लिए पुलिस द्वारा प्रदान किए जाने वाले चरित्र सत्यापन की प्रक्रिया के SOP में बदलाव लाने की आवश्यकता पर ADG जोन अखिल कुमार ने जोर दिया और बताया कि आवेदन किन किन जनपदों में किस किस स्थानों के अंतर्गत रहा है उसका हवाला नहीं देना है, केवल अपने वर्तमान पते का हवाला देकर चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लेने वालों पर अब पुलिस की पैनी नजर होगी। अब इसमें परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। CCTNS के द्वारा आवेदन का डाटा खंगालने के बाद चरित्र प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाए। ADG जोन ने समस्त SSP SP को निर्देशित किया है कि चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र देने से पहले अधिकारी विचार करें। कुछ प्रकरण ऐसे हम लोगों के संज्ञान में आया जिसमें हम लोगों ने जब समीक्षा की तो पाया क्या कि प्रोसीजरल जो हमारा प्रोसेस है वेरिफिकेशन का, वो अपने आप में उसको सरलीकरण की आवश्यकता है। अभी बहुत सारे इश्यूज़ में क्लैरिटी नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी का कैरेक्टर वेरिफिकेशन होना है तो कितने साल का उसका कैरेक्टर देखेंगे, पिछले कितने वर्षों में वो कहाँ कहाँ रहा है, वो उस बारे में कोई SOP बना नहीं है। किसी मामले में बिना कुछ सोचे समझे रिपोर्ट भेज देते हैं, किसी मामले में वो जाने के लिए उसको कई स्थानों का जिक्र कर देते हैं कि पिछले कई वर्षों में वादी कहाँ कहाँ रहा था, किन किन थानों में देखने हैं, किन किन जिलों में देखने हैं। हाल में CCTNS आ गया है, सारे जो रिकॉर्ड्स हैं आपराधिक रिकॉर्ड्स हैं वो सेंट्रलाइज हो गई हैं। उसको ध्यान में रखते हुए हमें अपने SOPs को चेंज करने की आवश्यकता है। मैंने सभी पुलिस अधीक्षकों को कहा है कि SOPs को रिविजिट करें और इस प्रोसेस को हम लोगों को सरल करना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा, ताकि जनता को कम से कम शिकायत का मौका मिले और ये आराम से अपनी काम करा सके। तो मैंने अभी सुझाव मांगा है और हाल में एक अपनी जो मीटिंग होती है हम लोग SPs के साथ, तो उस पर भी इस पर विचार विमर्श और चर्चा करेंगे ताकि इसमें कोई सुधार आए और जैसे ही हम नए